basically, SunPro is the first of its kind software that we've launched in India. इसे कोई भी अपना सोलर बिजनेस रूफटॉप सोलर बिजनेस शुरू कर सकता है. इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत. एंड आज के दिन में इस ऐप के साथ बेसिकली हम लोग का एक और गोल ये था कि सेल्स जो होती है कस्टमर को, जो लोग सोलर सिस्टम डिज़ाइन करके समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम आपके लिए ये बेनिफिट देगा, वो करेगा, ये करेगा, वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आज के दिन में और बहुत टाइम लगता है. काफ़ी सारे कस्टमर नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या रहे यहाँ पर. तो ये सारी जो प्रोसेस है वो SunPro के साथ बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है. जो यूज़ कर रहे हैं उसको ना टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है, लेकिन जो डिटेल आप कस्टमर से लेके फिर इंफॉर्मेशन जो आप कस्टमर को दे रहे हैं कि आपके लिए ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, आपके लिए सिस्टम ये चीज़ें करेगा, इतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा, एक पहले साल में इतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा, 25वें साल में पूरे सिस्टम का बिल ऑफ मटेरियल. सोलर सिस्टम में करीब 25 से 40 आइटम होते हैं, छोटे और बड़े. इसमें इंस्टेंटली सारे के सारे आइटम की पूरी लिस्ट दे देता है क्वांटिटी के साथ आपके साइट के हिसाब से. अगर आपका सिस्टम ज़मीन पे लगना है तो अलग होगा, छत पे लगना है तो अलग होगा. वो सारे डिटेल देता है, बिल ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं वो सारा का सारा आता है विद मेक्स कि ये कंपनी से ये कंपोनेंट आएगा, ये कंपनी से ये कंपोनेंट आएगा, पूरे सिस्टम की वारंटी इतनी है, अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट की वारंटी कितनी है, सोलर पैनल कहाँ लगने, इन्वर्टर कहाँ लगना है, सब कुछ आपको उसी समय 5 मिनट के अंदर सारी डिटेल आ जाती है. फ़ोन पे काम चलता है, स्मार्टफोन एंड्रॉयड या iOS फ़ोन के लिए के ऊपर. और इसमें एक और जो अच्छी चीज़ अब ये है कि अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बैंक्स आ रहे हैं, उनको लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कस्टमर को, अगर उनको सोलर सिस्टम लेना है तो वो इवैल्यूएशन भी ऐप में बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है. ऐसे सवाल पूछता है ऐप में जो आप और मैं एज नॉन फाइनेंशियल पीपल वी विल बी एबल टू लुक एट एंड आंसर, राइट. एंड अगर वो उस स्टेज पे क्वालिफाई हो जाता है कस्टमर तो इमीडिएटली फिर वो डिटेल्स बैंक के पास चली जाती है, बैंक विल रीच आउट, जो फाइनल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है वो बैंक और कस्टमर के बीच में हो जाती है. दूसरी एक चीज़ है जो आप देखे होंगे अब कि वो जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं उन लोग के लिए एक चीज़ होती है पावर परचेज अग्रीमेंट.